राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, मैं उसी राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ जिसको आज से करीब 50 साल पहले मार्च 1969 में चलाया गया था और हमारे देश की पहली राजधानी थी हावड़ा राजधानी, जिसने 1450 किलोमीटर के डिस्टेंस को करीब 17 घंटे में कवर किया था। उस वक्त राजधानी का मतलब एक अलग क्लास था, एक अलग प्रायोरिटी, अनमैच फैसिलिटी, फास्टेस्ट ट्रेन और जाने क्या क्या चीज़ें। उन दिनों में राजधानी की एक अलग पहचान हुआ करती थी, एक अलग लिवरी हुआ करती थी जिसको देख करके लोग समझ जाते थे कि ये एक अलग ट्रेन है, और ये सब चीज़ें राजधानी को बाकी ट्रेनों से बहुत ही अलग बनाती थी। वैसे उस वक्त इसमें ICF रेक्स का इस्तेमाल होता था और ट्रेन करीब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ऑपरेट होती थी, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बाद में राजधानी के स्पीड को और बढ़ाया गया और राजधानी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने लगी। ये वो दौर था जब राजधानी लोगों के दिलों में राज करती थी, एक अलग पहचान थी उसकी। पर बहुत दिन तक इसकी जो बादशाहत है वो बरकरार नहीं रह पाई, जब 1988 में देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया गया जिसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। वैसे दोनों ही ट्रेन्स ICF रेक्स के थे, पर दोनों में ही कलर का डिफरेंस था। शताब्दी एक्सप्रेस को उसके अलग रंग की वजह से एक अलग पहचान मिलती थी। उस वक्त राजधानी की सेफ्टी तो इतनी थी कि ट्रेन गुजरने से पहले उस रूट पे एक अकेले इंजन को चलाया जाता था ताकि अगर ट्रैक्स में कुछ खामी हो तो उसका पहले ही पता चल सके। खैर, वक्त बदला और हमारी रेलवेज में नई LHB रेक्स का जमाना शुरू हो गया। लाल डब्बों वाली ये कोचेस बहुत आधुनिक थे और एक अच्छी स्पीड में चल सकते थे, इसलिए राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पर फिर भी राजधानी की जो लिवरी थी वो अलग रहती थी, क्योंकि ईयर 2000 के स्टार्टिंग में सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस में ही लाल डिब्बे वाले LHB कोचेस दिखते थे। बाकी शताब्दी एक्सप्रेस में भी LHB यूज़ होते थे, पर उनका कलर अलग था। सबसे पहले जब 2009 में दुरंतो टाइप की ट्रेन्स का शुरुआत हुआ तो ये राजधानी के ऊपर सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं राजधानी से टक्कर ज़रूर दे रही थी दुरंतो एक्सप्रेस। पर वहीं दुरंतो की जो लिवरी थी वो बहुत अलग थी राजधानी से। पर जब आम ट्रेनों का LHBification शुरू हुआ तब से ट्रेन वही लाल रंग के डब्बों में ही लगते थे, और बुरा तो तब हुआ जब कोई AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस या कोई AC स्पेशल एक्सप्रेस जब गुजरती थी तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता था कि ये राजधानी एक्सप्रेस है या कोई नॉर्मल ट्रेन। खैर, वैसे कुछ राजधानियों में इंटीरियर बाकी ट्रेनों से काफ़ी अलग होता है, पर बाहर से राजधानी एक्सप्रेस वैसे ही दिखती है जैसे किसी नॉर्मल LHB ट्रेन्स के AC कोचेस। राजधानी एक्सप्रेस हमारे देश की शान है, जो हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों को न्यू दिल्ली से जोड़ती है। कल के आए हुए दुरंतो एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और महामना एक्सप्रेस के पास यूनिक लिवरी है, एक अलग पहचान है इनकी। पर हमारे देश की शान राजधानी एक्सप्रेस की कोई अलग पहचान नहीं है, जब तक कि आप ट्रेन के अंदर जा करके पता ना करें, क्योंकि बाहर से जो ट्रेनें हैं वो बिल्कुल सेम दिखती हैं अगर लाल डब्बों वाली किसी भी LHB कोचेस को देखा जाए तो। हालांकि स्पीड के मामले में, फैसिलिटी के मामले में, ट्रैक्स पे प्रायोरिटी के मामले में आज भी राजधानी का कोई जवाब नहीं है, पर आज हमारे रेलवेज में राजधानी एक्सप्रेस को एक अलग लिवरी ज़रूर से चाहिए, एक अलग रंग चाहिए जिसको दूर से ही लोग देख करके समझ जाए कि हाँ, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। खैर, ये तो मेरे ओपिनियन थे, बाकी आप सभी का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, इंस्टा पे मैंने पोस्ट की है राजधानी के बारे में, आप वहाँ जा करके इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं और अपने ओपिनियन वहाँ दे सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको यहाँ दिख रही होगी रेल ज्ञान कोच के नाम से, आप वहाँ जा करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।